इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक सर्किट है और ये एक सेल लगाए और हमें बताना है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो जो चार्ज फ्लो होगा इस स्विच एच से वो कितना होगा अगर हमने बहुत लंबे समय के बाद इसको क्लोज किया है। तो देखिए ये सिचुएशन बड़ी सिंपल है। आप ये गौर कीजिए कि जब स्विच ओपन है तो इस पे जो चार्ज होगा माइनस की और इस पे जो चार्ज होगा प्लस की बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो प्लेट्स हैं इसका टोटल चार्ज ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो सिचुएशन ये बनेगी कि ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड और ये स्विच हो गया क्लोज, ये हो गया 2 माइक्रोफेराड और ये हो गया 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक सेल जिसका 50 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब आप इस केस में देखिए कि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट 6 होगा और ये दोनों पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट 6 होगा। तो जो ये दोनों का इक्विवेलेंट है वो इक्वल है तो इन पे 25 वोल्ट का वो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 है पहला वाला इस पर 25 बनेगा और ये जो दूसरा वाला है, देखिए ये 2 है ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो और ये कनेक्टेड है और इस पे जो चार्ज है यहाँ पर इस पर है 25 वोल्ट तो इस पे चार्ज है 100 प्लस 100 और इस पे माइनस 100 और इस पे भी 25 है तो इस पर चार्ज है प्लस 50 और इस पे माइनस 50। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है इस पे चार्ज टोटल इन दोनों प्लेट्स पे है -50, ठीक है, और इनिशियली इन दोनों पे था 0। तो आप गौर कीजिए कि ये दोनों प्लेट्स इनिशियली आइसोलेटेड थी, मतलब ये किसी और से कनेक्टेड नहीं थी, आपस में ही कनेक्टेड थी। अब हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि इनको कनेक्ट कर दिया है एक स्विच से तो इन पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है। तो वो चार्ज ऑब्वियसली स्विच से ही फ्लो होके आया होगा तो स्विच से फ्लो ऑन चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक पार्टिकल पी है जिसकी स्पीड 15 है और ये पार्टिकल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे आते हुए ग्राउंड से टकराता है और फिर रीबाउंड होता है और इस कोलिजन में E 1/√3 है। तो हमें इस कोलिजन की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ये देखिए कि ये जो कंपोनेंट होगा 15 का ये होगा 15/2, 15 cos 60 और ये कंपोनेंट होगा 15√3/2। तो जब ये कोलाइड होके वापस जाएगा तो इसका जो y कंपोनेंट होगा वो √3 times हो जाएगा, 1/√3 times। तो अब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा 15/2√3 और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 15√3/2। तो जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या अगर हम सीधा ही इसमें रेंज का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है 2ux uy/g। तो 2ux है 15/2√3, uy है 15√3/2/g। देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया 225/20। तो इसको आप 5 से कैंसिल कीजिए तो ये होगा 45/4, तो ये होता है 11.25। तो करेक्ट आंसर है सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये हमें ब्लैक बॉडी, दो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं। इनफैक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस और 546 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ये कर्व जो है उनका एक्स के साथ एरिया A2 और A1 है, तो हमें बताना है कि जो A2 और A1 का रेशियो है वो क्या होगा। तो आप ही देखिए कि यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर है वो है 546 केल्विन, मैं केल्विन में ले रहा हूँ, और T2 टेम्परेचर है 819 केल्विन। ठीक है, तो अगर हम ये हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो टोटल एमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की वो इसके एरिया से डिनोट होती है, तो जो टोटल एमिसिव पावर है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो एरिया है इसका वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है, T^4। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि A2/A1 जो है वो होगा T^2/T^1^4। तो A^2/A^1 होगा T^2/T^1 यानी 819/546^4। तो A^2/A^1 होगा, देखिए 819 होता है 273 × 3, 546 होता है 273 × 2, तो ये हो जाएगा 3/2^4, तो ये हो जाएगा 9/4। तो A^2/A^1 का रेशियो जो आएगा, इनफैक्ट ये हमको फोर्थ पावर लगानी है, तो ये हो जाएगा 81/16। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक सर्किट हमें गिवन है और कुछ करेंट्स हमें गिवन है, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ I1/I1, I2+I3। तो इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नेमिंग से करना चाहिए। आप सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को, किसी भी दो पॉइंट्स को नेम दे दीजिए, फिर जो जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स उनको सेम नेम देते चलिए आगे। जैसे ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, ये बी है और फिर ये है। तब गौर कीजिए कि इसके दोनों टर्मिनल ए और बी हैं, इसके 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 ए और बी हैं, और इसके भी ए और बी हैं, और इसके भी ए और बी हैं, विच मीन्स कि ये सारे पैरेलल में हैं, और हमें दिख रहा है कि वी ए माइनस वी बी सीधे सीधा 24 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले I1 हमें क्लियरली दिख जाएगा कि 24/6 होगा, यानी 4 एम्पेयर होगा, और I3 जो होगा वो हमें दिखेगा कि वो होगा 24/8 यानी 3 एम्पेयर। और अगर मैं I2 की बात करूँ तो I2 यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप गौर कीजिए कि ये सिचुएशन ऐसी है कि I2 करंट जो है वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 6 जो है उसमें, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन को भी मार्क कीजिए, कि सबसे पहले हमको पता है कि ए का पोटेंशियल बड़ा है तो I1 तो प्लस ही आएगा, और यहाँ पे I3 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ए का पोटेंशियल बड़ा है, तो इसको मैं I3 को नेगेटिव लिख देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये आप गौर कीजिए कि जो 6 है इसमें यहाँ से जाएगा करंट 4 एम्पेयर, और जो 12 बेस में यहाँ से जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, तो जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी 6+4+2 6, तो I2 होगा 6 एम्पेयर। तो अगर आप I2+I3 करेंगे तो ये आएगा 3 एम्पेयर, और अगर आप I1/I2+I3 करेंगे तो ये आएगा 4/3 एम्पेयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक टंगस्टन फिलामेंट है एक बल्ब का, जिसका ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया, इनफैक्ट रेडियस ट्वाइस है इस पार्ट से, और इस पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है 2000 केल्विन, और इसका भी 2000 केल्विन,
और इसका हमें टेम्परेचर निकालना है। देखिए आप ये जानते हैं कि बल्ब जैसे काम कर रहा होगा तो इसमें करंट तो कांस्टेंट ही होगा थ्रू आउट, और अगर इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं बात करूं कि ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आर है तो आर होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एल को हम सेम ही मानेंगे, और इसका आर हो जाएगा 4R क्योंकि इसका एरिया ए बाय 4 है। तो रेजिस्टेंस क्योंकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 times होगा। अब अगर मैं बात करूँ पावर की तो इससे जो पावर रेडिएट हो रही होगी हम पावर को लिखेंगे आई स्क्वायर आर से, तो इसका जो पावर होगा वो होगा आई स्क्वायर आर और इसका पावर होगा पी डैश बराबर आई स्क्वायर इंटू 4R, विच मीन्स कि इसकी पावर 4 times ऑफ पी होगी। अब जो पी ये पावर रेडिएट करेगा वो होगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4, और ये जो टी है ये है 2000, तो सिग्मा ई ए और 2000 की पावर 4, और जो वो पावर रेडिएट करेगा वो होगा 4P और वो होगा सिग्मा ई ए। अब देखिए गौर करने की बात यह है कि जो सिलेंडर सिलेंड्रिकल वायर होता है और ये जो पावर रेडिएट करेगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया से करेगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRL, तो L हमको सेम ही मानना है और R जो है वो इसका हाफ है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ होगा यानी a बाई 2 होगा, और टेम्परेचर टी टू द पावर 4। तो अगर आप ये P की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आप देखेंगे T टू द पावर 4 आएगा 8 times ऑफ 2000 टू द पावर 4, और T आ जाएगा 8 to the power 1/4 इंटू 2000। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन C। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R और रिलेटिव डेंसिटी है 4। इसको एक थ्रेड से हमने पानी के अंदर जस्ट इमर्ज कर रखा है ताकि गिरे ना, और हमें बताना है कि जो लिक्विड का जो फोर्स होगा इसके अपर हाफ पे और लोअर हाफ पे उसका रेशियो क्या होगा। तो मैं अपर हाफ का एक डायग्राम बनाता हूँ, गौर कीजिएगा। तो ये जो अपर हाफ है इसका, इस पे ऊपर से मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है F1 और नीचे से F लग रहा है, ठीक है। तो जो ये F-F1 होगा यही बॉयंसी होगा, तो जो F1 होगा ये होगा F-बॉयंसी। अब अगर मैं लोअर हाफ का डायग्राम बनाऊं तो लोअर हाफ में नीचे से लग रहा है F2 और ऊपर से लग रहा है F, तो F2-F बोयंसी होगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वाटर का नेट फोर्स बोयंसी होता है, तो F2 हो जाएगा बोयंसी प्लस F, और हमें F1/F2 का रेशियो चाहिए, तो ये F-F+ होगा, तो ये हो जाएगा 1-F/F1+F। अब बोयंसी जो होगा F की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो बोयंसी होगा 2/3πR³ क्योंकि हाफ पे लिख रहे हैं इंटू रो जी, और F जो होगा वो इसके बेस पर फोर्स है और बेस एक डिस्क है, तो πR² इंटू प्रेशर विच इज़ R ρg, तो ये 2/3 आएगा, तो ये 1-2/3/1+2/3, तो ये रेशियो आएगा 1:5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक ये ट्यूब है और ये ट्यूब को हम घुमा रहे हैं, ये लेंथ है 2L और इसमें लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, तो हमें यहाँ से x दूरी पे बताना है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो x के साथ ओमेगा के साथ और रो के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल इसका एक प्रोसेस होता है कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट मानिए
जिसकी विड्थ है dx, और इसका जो मास होगा वो होगा रो adx, ठीक है। और इस एलिमेंट पे जो बाहर सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी dm x ओमेगा स्क्वायर df। तो ये सूडो फोर्स की वजह से ही प्रेशर का डिफरेंस आएगा इसके दोनों साइड पे। तो df इज इक्वल टू dm, और dm की वैल्यू है रो ए डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं डी एफ को एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये डी पी आएगा, और डी पी होगा रो एक्स डी एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो डी पी बाय डी एक्स जो आएगा वो आएगा रो एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हमें वेरिएशन देखना है एक्स के साथ तो ये लीनियर है, तो एक तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक हमें वेरिएशन देखना है ओमेगा के साथ तो वो डी ऑप्शन होगा, पैराबोलिक, ये वाला पैराबोला नहीं होगा, और रो के साथ लीनियर होगा सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है ए सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक मीडियम है ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से चेंज हो रहा है, और n यहाँ पर n नॉट वन है, और ये रे जो है ये एंटर हो रही है 30 डिग्री पे विद x एक्सिस। अब आप गौर ये कीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो x के साथ बढ़ता जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम का x के साथ इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें बताना है कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा और ये किस कोऑर्डिनेट से निकलेगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एक जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स के साथ वेरी करेगा तो आप जो इंटरफेस बनाएंगे वो वाई के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, और ये जो है रे जब ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, और ये टेंजेंट जो है ये नॉर्मल के साथ, लेट सपोज ये नॉर्मल है, इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि 1 sin 30 जो है वो म्यू, वहाँ पर जो म्यू होगा इनटू साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा होगा 1/2 म्यू, और साइन थीटा होगा 1/2 म्यू, ये मैं वापस लिख देता हूँ, और टैन थीटा होगा अंडर रूट ऑफ, देखिए टैन थीटा होगा 1/√4μ²-1। तो अगर आप टैन थीटा की, ये देखिए ये एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये एंगल जो होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो टैन थीटा यहाँ पर होगा 1/√4μ²-1। तो ये हो जाएगा, देखिए एन नॉट तो 1 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 into μ² हो जाएगा 1+x/4, और ये होगा -1। तो टैन थीटा होगा यहाँ 1/√x-1 माइनस या इनफैक्ट +3, ठीक है, ये हो जाएगा टैन थीटा। और टैन थीटा जो होगा, ये एंगल भी टैन थीटा ही होगा, थीटा ही होगा, तो ये टैन थीटा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर रखेंगे हम। तो डी वाई होगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, और इसको अगर इंटीग्रेट करें और x की लिमिट 0 से, y की लिमिट लगाएंगे 0 से y, और x की लिमिट लगाएंगे 0 से x, तो y जो है वो आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2√x+3, और लिमिट लगेगी 0 से x, तो y आएगा 2√x+3-2√3, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस
√3। तो जो इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी करेक्ट वो होगी ऑप्शन बी। और ये किस पॉइंट से बाहर निकलेगा, तो आप यहाँ पर एक्स को 1 रख दीजिए क्योंकि ये मीडियम एक्स बराबर 1 तक ही एक्सटेंड हो रहा है। तो अगर आप इसको एक्स को 1 रखेंगे तो वाई आप देखिए कि आएगा 2 और इधर आ जाएगा 2 - √3। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है ही, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है बट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इस तरीके से वेरी हो रही है। देखिए यहाँ पे एक ये 2 का जो है एरर है, वो 2 यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। अब हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए 2 कॉन्स्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर्स के बीच में रख दिया और हमें बताना है कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। तो आप ये गौर कीजिए कि जो भी इसमें करंट जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी स्टेडी स्टेट है। तो मैं करंट को आई को लिख सकता हूँ dt/dx इंटू के ए, जहाँ पे dt/dx और के जो है वो होगा के नॉट x²/L² और ये है एरिया ए। तो आप गौर कीजिए कि dt/dx जो है वो x 1/x² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी x² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, सी गलत हो गया। और अगर मैं टी की बात करूं तो आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये गौर कीजिए कि dt बराबर होगा सम कांस्टेंट के (k/x²)dx। लिमिट लगा देंगे यहाँ पे टी हाई से टी और t - t हाई जो होगा यहाँ लिमिट लगा देंगे हम 0 से x। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -k/x और लिमिट लगेगी 0 से x या 1 से x, इनफैक्ट x इनिशियली 1 है। तो आप गौर करेंगे कि जो रिलेशन आएगा टी में और इसमें वो स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये देखिए कि t - th या हम जानते हैं कि th बड़ा है, तो जो th है -t ये आएगा k/x और -k/1 यानी k। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर 1/x इंक्रीज हो रहा है तो जो t है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए x = 1 ये है, तो हम उल्टा रिवर्स आ रहे हैं कि अगर 1x बढ़ता जाएगा, x बढ़ेगा है ना, देखिए 1/x जो है वो बढ़ेगा तो t कम होएगा। तो 1/x की वैल्यू आप यूँ इसको ऐसे चेक कीजिए और देखिए कि जैसे जैसे आगे हम जाएंगे टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली dt/dx नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम अगर प्रॉपर देखिए, ये तो मॉड का ग्राफ था तो ये तो वही बन गया। अगर हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो dt/dx को हम ले लेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के -1 माइनस हम कॉन्स्टेंट c/x² और इसीलिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -c/x² dx। और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो x की 1 से x लगेगी, यहाँ टेम्परेचर की t हाई से t तक लगेगी। और फिर जब इंटीग्रेशन होगा तो ये t - t हाई जो आएगा, ये देखिए माइनस और 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, तो हो जाएगा -± c/x और लिमिट लग जाएगी 1 से x। तो t - t हाई होगा c/x - c। तो आप चेक कीजिए कि 1/x और t में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगी जो ऊपर जाती होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस सॉलिड वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है और ए बी और सी तीन सेक्शंस हैं। इससे करंट आई फ्लो हो रहा है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है हर सेक्शन में, वी उस सेक्शन का पोटेंशियल है, देखिए वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हमें करेक्ट रिलेशन बताना है। तो देखिए करंट तो सेम होगा तो ये तो गलत है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखिए जे बराबर सिग्मा ई से, तो जे सबसे ज़्यादा इस रीजन में होगा, फिर इस रीजन में होगा, फिर इस रीजन में होगा सबसे कम, और ई जे के प्रोपोर्शनल है। तो ई सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ जे सबसे ज़्यादा, यानी बी में, फिर ए में, फिर सी में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है एक तो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करूँ तो जे को मैं आई बाय ए लिख देता हूँ और ये हो जाएगा सिग्मा ई, और आई हो जाएगा ई सिग्मा ई इंटू ए, ये हो जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा क्योंकि आई भी सेम है सिग्मा भी सेम है। और देखिए आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम ही होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन था केवल बी और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, बाउल है, और इसके अंदर एक बॉल यहाँ से रिलीज़ की गई है और ये हाइट है आर, और हमें बताना है कि अच्छा स्मूथ है ये बाउल तो बॉल का रोलिंग नहीं होगा, हमें बताना है कि बॉल की वेलोसिटी क्या होगी जब वो ए पे है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये रूट टू जी आर होगी, हम सब जानते हैं क्योंकि ये आर डिस्टेंस नीचे उतर के आई है, और नॉर्मल रिएक्शन एट बी। तो देखिए बी पे सबसे पहले आप ये गौर कीजिए एम जी नीचे लग रहा है और ये लग रहा है एम जी कॉस 60 यानी एम जी बाय 2, और ये एन होगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो हम निकाल सकते हैं कि ये जो हाइट है ये आर बाय 2 है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं यहाँ की एनर्जी, ठीक है, यहाँ ग्राउंड का रेफरेंस मान के यहाँ की एनर्जी एम जी आर, और उसी रेफरेंस में वहाँ की एनर्जी एम जी आर बाय 2, एम जी आर बाय 2 प्लस काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर है एम जी आर बाय 2, एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी हो गया रूट जी आर। तो यहाँ पे एक और फोर्स बाहर की तरफ लग रही है एम वी स्क्वायर बाय आर, तो जो n है वो है एम जी बाय 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, तो n है एम जी बाय 2 प्लस, अगर आप एम वी स्क्वायर बाय आर देखेंगे तो ये एम जी आएगा, तो यानी ये 3 बाय 2 एम जी आएगा। तो एक तो सी ऑप्शन करेक्ट है, और लास्ट जो ऑप्शन है कि यहाँ पर नेट फोर्स, तो देखिए नेट फोर्स हमेशा एम ए के बराबर होता है, और यहाँ पे बॉल का एक्सेलरेशन सिर्फ टेंजेंशियल है ये वाला, वो है जी साइन 60, तो यानी रूट 3 जी बाय 2, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 3 बाय 2 एम जी नहीं होगी, इनफैक्ट वो होगी 3 रूट 3 बाय 2 एम जी। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं ए और सी, इनफैक्ट बी भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बी पॉइंट पे जो स्पीड है वो रूट दी आ रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक स्क्वायर लूप है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, यहाँ अंदर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, हमें सही ऑप्शन बताना है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम देखिए हम क्लियरली जानते हैं कि जो सी डी वायर है और जो ए बी वायर है इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा क्योंकि ये वायर्स जो है ये अपनी लेंथ के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि ईएमएफ इन सी डी और ईएमएफ इन ए बी ज़ीरो होगा, और ये जो सर्किट है ये ऐसा बनेगा, अगर आप चेक करेंगे कि ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी तो यहाँ पे प्लस आएगा इस वायर में, यहाँ माइनस आएगा, और इसमें यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 0.5 और इस एक साइड की लेंथ है 10, 0.5 पर सेंटीमीटर, तो इसकी एक साइड की लेंथ है 10,
तो एक साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो 5 होगा, और यहाँ पे ये इसका 5, ये ई और ये 5, और यहाँ पे पोलैरिटी ये माइनस ये प्लस और ये 5 और ये। तो देखिए करंट इस तरीके से फ्लो होगा आई, और जो आई होगा वो होगा 2e बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 20, तो e बाय 10 होगा। और e की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो e होगा BLV, तो b जो है वो है 10, l जो है वो 0.1 है और v जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2, EMF हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/5 एम्पेयर, ओके, यानी 0.2 एम्पेयर। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की कि ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो 1 वोल्ट होगा, तो ए और बी में जो वो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो आप देखिए नेमिंग कर लीजिए, ये है डी, ये है सी, ये है बी, ये है ए, तो वी ए बी होगा आई आर, तो यानी 0.2 इंटू आर इज 5, तो यानी 1 वोल्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, देखिए बी और सी में 0 होगा कि नहीं वो आप चेक कीजिए, कि बी सी में जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है, आप देखिए करंट इससे बाहर आ रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी सी वो होगा ई माइनस आई आर, तो ई है हमारा 2 और आई है 1/5 और आर है 5, तो ये 1 आएगा, ठीक है, तो 0 तो नहीं आएगा, तो 0 तो सी और डी में भी नहीं आएगा और डी और ए में 1 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 1 ए और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और इसको हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ से खींच रहे हैं, जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, और हमें बताना है कि किस फोर्स के लिए ब्लॉक टॉपल करना चालू कर देगा। तो देखिए म्यू की वैल्यू 0.2 है, और अगर आप एमजी देखेंगे तो एमजी जो है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, तो एमजी अगर 10 न्यूटन है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर सकता है वो है 0.2 इंटू 10 विच इज़ 2 न्यूटन्स एफ मैक्स। अब हम ऐसा मानते हैं कि ये ब्लॉक जो है ये टॉपल करने से स्लाइड करने से पहले टॉपल कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, तो ऐसा अगर हमने अज्यूम किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन और एफ बराबर होगा, क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ नो स्लाइडिंग, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, और एन को एम जी के बराबर रखेंगे हम, तो इस केस में एम जी नीचे लग रहा होगा और एन यहाँ लग रहा होगा, और ये पॉइंट हो गया ई लेट सपोज, तो ई के अबाउट टॉर्क 0 कर सकते हैं क्योंकि ई मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा होगा पीछे की तरफ और फ्रिक्शन होगा एफ के बराबर, तो ई के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँगा तो इक्वेशन बनेगी एम जी इंटू ए बाय 2 और एफ का बनेगा एफ इंटू ए, तो एफ होगा एम जी बाय 2 और एम जी है यहाँ पर 10 तो एम जी बाय 2 होगा 5, तो F होगा 5 न्यूटन। तो अब आप गौर कीजिए कि अगर हमें स्लाइडिंग से पहले टॉपलिंग करानी है तो F 5 होना चाहिए, पर F अगर 5 है तो ऑलरेडी वो स्लाइड कर ही रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 2 न्यूटन लग सकता है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ऑलरेडी स्लाइड करेगा, और अगर ये स्लाइड करेगा तो हमें क्या करना है कि ये E पॉइंट जो होगा वो रेस्ट पर नहीं होगा, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क की, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शन लगेगा पूरा जो कि 2 न्यूटन है, और एफ हमें निकालना है तो एफ को हमने इधर मान लिया, एन इधर लगेगा क्योंकि जब ये टॉपल होने ही वाला होगा तो एन इधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, एम जी है यहाँ पर 10 और एन है 10 क्योंकि एन एम जी के बराबर है, पर एफ अब फ्रिक्शन के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन बनेगी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, तो देखिए एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो एफ इंटू ए बाय 2 और फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, आप चेक कीजिए ये एफ का टॉर्क है और ये फ्रिक्शन का टॉर्क है, तो ये ऐड होंगे यानी 2 इंटू ए बाय 2 और
एम जी का टॉर्क तो ज़ीरो है, और ये टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का जो उल्टा टॉर्क होगा उसको बैलेंस करेगा। एन जो है वो 10 है इंटू ए बाई टू। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गए सारे, और एफ बाई टू आएगा 5 - 1, तो एफ आ गया 8 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है इसका 8। अब हम इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सिचुएशन ये है कि ये एक वेज टाइप का बॉक्स है और ये इसका शेडिड एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। हमें बताना है कि शेडिड एरिया का फ्लक्स क्या होगा। इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं सिंपल, कि पहले बात तो ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो इस सरफेस का ये जो सरफेस है ये वाला, इसका फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं सरफेस वन, सरफेस टू और सरफेस थ्री। तो देखिए फ्लक्स ऑफ सरफेस वन प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस टू प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस थ्री ज़ीरो होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है और अंदर कोई चार्ज नहीं है। और फ्लक्स ऑफ सरफेस वन ज़ीरो होगा क्योंकि ई जो है वो पैरेलल है इसके। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स ऑफ सरफेस टू और फ्लक्स ऑफ सरफेस थ्री इक्वल और विद अ नेगेटिव साइन होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं टू का फ्लक्स निकाल लूँगा तो वही थ्री का होगा। तो अब आप देखिए टू जो सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वेरी कर रही है इस तरीके से, ये वाई है। तो हम एक छोटा सा इसमें एलिमेंट मानते हैं ये, जिसकी विड्थ है डी वाई, और ये है ए। ये देखिए आप, तो इसका जो एरिया होगा डी ए वो होगा डी वाई इंटू ए, और इसका जो फ्लक्स होगा डी फाई वो होगा ई नॉट वाई बाय टू इंटू डी वाई इंटू ए, ठीक है। और जो टोटल फ्लक्स होगा इसका वो होगा ई नॉट बाय टू ए बाहर और वाई स्क्वायर बाय टू, मैंने इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट लगा दूंगा ज़ीरो से ए। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये होगा ई नॉट ए क्यूब बाय फोर। तो जो एन की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, क्योंकि यही फ्लक्स उस सरफेस का भी होगा, शेडिड सरफेस का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि दो रेडियोएक्टिव सैंपल हैं A1 A2, और इनकी हाफ लाइफ है, इसकी हाफ लाइफ है 3 ईयर्स और इसकी है 2 ईयर्स, और ये बहुत सालों से डीके हो रहे हैं। तो हमने मान लिया कि t बराबर ज़ीरो पे जब ये डीके होना चालू हुए होंगे तो इनके सैंपल के जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया बराबर हैं, क्योंकि हमें यही निकालना है कि दोनों सैंपल में न्यूक्लिया बराबर कब होंगे। और आज की तारीख में इसमें A1 में जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं वो 2 है, यानी इसमें अगर n है तो इसमें 2n है। तो हमें बताना है कि कितने साल पहले, इसको हम टाइम को टी मान लेते हैं, तो हमें टी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि n बराबर n नॉट, इसके लिए लिख रहा हूँ A1 के लिए, अपॉन 2 की पावर t बाय हाफ लाइफ है 3, तो ये 2n हो जाएगा। और b के लिए लिखूँगा तो n बराबर हो जाएगा n नॉट अपॉन 2 की पावर t बाय 2। तो अगर आप n बाय n नॉट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, n बाय n नॉट हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर t बाय 3 + 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर t बाय 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि t बाय 3 + 1 t बाय 2 के बराबर आ रहा है। तो t बाय 2 माइनस t बाय 3 जो है वो 1 आ रहा है, और LCM अगर आप लेंगे तो t आ जाएगा 6। तो 6 साल पहले ऐसा हुआ होगा कि दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लिया बराबर होंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो कैपिलरी ट्यूब हैं, सेम है। तो फर्स्ट केस में क्या किया है कि इसको बाहर रखा है सफिशिएंटली बाहर, और ये पानी जो है h ऊपर चढ़ा है, और इसका कॉन्टैक्ट एंगल π/4 है। और सेकंड केस में इनसफिशिएंटली इसको बाहर रखा है और पानी h/√2 चढ़ा है और कॉन्टैक्ट एंगल π/x है। तो हमें x निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि
एच वन आर वन बराबर होता है एच टू आर टू, जहाँ पे एच है ये हाइट, वाटर कितना ऊपर चढ़ा है, और आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो फर्स्ट, और ये भी हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है वो ये होता है आर, और अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बोलूँ तो वो ये होता है, और ये एंगल थीटा होता है। तो आर कॉस थीटा आर होता है, तो आर को मैं आर अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो सिंपल बात यह है कि एच आर अपॉन कॉस थीटा वन बराबर है एच टू आर अपॉन कॉस थीटा टू, क्योंकि आर तो बराबर है, सेम कैपिलरी है। तो हमें कॉस थीटा टू निकालना है, हमें एच पहला एच दिया हुआ है और पहला एंगल दिया हुआ है पाई बाय फोर, तो कॉस पाई बाय फोर होता है, या पाई बाय फोर लिख देता हूँ, और वहाँ एच एच बाय रूट टू दिया है और ये कॉस थीटा दिया है। तो कॉस थीटा टू आपको दिख रहा होगा कि आ जाएगा वन बाय टू, और थीटा टू ये आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाय थ्री, तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री। तो करेक्ट आंसर है थ्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम, ये एक्चुअली रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इससे जस्ट पहले वाला पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे होगा, कि आपको इसको डिफरेंशिएट करके दो बार ay निकालना पड़ेगा, और ay से फिर नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन लिख के ax आएगा इसका, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी है रो, इनफैक्ट सिग्मा, और पानी की डेंसिटी है रो। इसकी लेंथ है 8 मीटर, और हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया है जब ये टच कर रहा है जस्ट इसको। तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा। देखिए, इसको मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक से करके दिखाता हूँ। ट्रिक ये है कि जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, और जब इसकी डेंसिटी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी डेंसिटी जस्ट हाफ है। तो इक्विलिब्रियम में जब होगा, जब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो होगी, तो ये हाफ अंदर रहेगा, यानी ये 4 मीटर अंदर रहेगा और 4 मीटर बाहर रहेगा। और जब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो जब इसको आप पूरा छोड़ देंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट का डबल होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर, तो वैसे तो इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। और इसको अगर हम उस तरीके से करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि लेट सपोज ये मैक्सिमम x अंदर गया, इसको मैं एक फ्रेश पेज पे करता हूँ। ये वाटर है, और हमने माना कि जैसे ये पहले बाहर था, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, और हमने माना कि ये मैक्सिमम एक्स नीचे गया, ठीक है। तो मैंने माना कि एक्स अंदर गया, तो ये लेंथ बची एल माइनस एक्स, ये मैक्सिमम है, यानी यहाँ जाके ये रुक जाएगा। तो वर्क डन बाय एम जी कितना होगा? तो वर्क डन बाय एम जी होगा एम जी इंटू एक्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी एक्स अंदर गया है। और अगर आप वर्क डन बाय बोयेंसी निकालेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेट सपोज ये अभी एक्स अंदर है और ये अभी डी एक्स और अंदर आया, तो इस पे जो अभी बोयेंसी लग रही है वो लग रही है एक्स इंटू एरिया इंटू रो इंटू जी, ये बोयेंसी लग रही है। और डी एक्स और अंदर आया है, तो ये डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्क डन बाय बोयेंसी आएगा, स्मॉल वर्क डन। और अगर टोटल इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट लगा दूंगा 0 से x, तो आ जाएगा ए रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2, ये वर्क डन बाय बोयेंसी होगा, ओके। तो यहाँ पे आप सबसे पहले m को देखिए, m को क्या लिख सकते हैं, a इंटू l जो इसकी लेंथ है, और l दिया हुआ है हमें 8 मीटर, तो a इंटू l इंटू सिग्मा है इसका रो बाय 2 इंटू जी इंटू एक्स। तो हमें करना ये है कि हमें वर्क डन बाय बोयेंसी को बराबर रखना है वर्क डन बाय एम जी के। तो
तो एस रो जी एक्स स्क्वायर बाय टू को बराबर रखेंगे ए एल रो बाय टू जी एक्स। तो ए रो और जी कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल होगा, एक्स बराबर आएगा एल, और एल था 8 मीटर, तो इसका आंसर होगा 8। थैंक यू।